हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टुडेस लैक्चर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन एन इन आयोनाइजेशन एन थैलपी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे उन्हें कहेगे आयोनाइेशन एंथल्पी आज हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी देखना है तो पहली चीज के इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी को कैसे हम इंडिकेट करें तो एंथलपी यानी डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी, सो डेल्टा ई जी एच क्लियर डेल्टा ई जी एच यानी होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी क्या है तो आपके पास कोई न्यूट्रल आइटम है स्टेट में, उनमें आप जब इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे तब जो एंथाल्पी चेंज मिलेगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो एंथेल्पी चेंज को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने पास कोई भी गैसियस एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन हम एंटर करके वो गैसियस एटम को नेगेटिव आयन बनाते हैं हम लोगों को मालूम है कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे वो कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन बनाता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हमें एंटर करना है तो वो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज इन एंथेल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी तो फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन देखो यहां पे, देखो कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम एक्स देखो ये न्यूट्रल एटम एक्स है जिनमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एंड कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव आयन में टू कन्वर्ट इट इन टू नेगेटिव आयन द एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज डिफाइन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी यानी डेल्टा ई जी एच ये वाले रिएक्शन में जो एंथलपी चेंज होगा उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी तो ये डेफिनेशन है अभी देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी की वैल्यू कौन से यूनिट में मेजर करेंगे तो किलो जूल पर मोल यूनिट इनका रहेगा किलो जूल पर मोल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी फिर से रिपीट कर रहा हूं द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों क्योंकि हम जो स्टेबल न्यूट्रल गैसियस एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर एनर्जी आप देते हो तो एनर्जी यानी एंथाल्पी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी अगर एटम में से एनर्जी लिब्रेट हो रही है तो एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी है उनकी वैल्यू जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंडेंट है देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज ऑलवेज नेगेटिव होगा ये पॉइंट लिख लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव सेकेंड पॉइंट तो देखो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है अब हम यहां पे बात करेंगे टू ग्रुप्स के लिए मेन फर्स्ट ग्रुप नंबर सेवेंटीन चलिए पीरियोडिक टेबल आपके सामने क्लियर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यही पीरियोडिक टेबल है ये बॉर्ड अपना पीरियोडिक टेबल तो आपको भी ऐसा दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर थर्टीन टू ग्रुप नंबर एटीन बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से थे डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर थ्री टू ग्रुप नंबर ट्वेल्व और बॉटम में कौन से दो सीरीज थे लेंथनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज विच इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑल्सो कॉल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ओके अभी हम बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड लास्ट ग्रुप चलो सेकेंड लास्ट ग्रुप कौन सा ग्रुप है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर सेवनटीन का नेम क्या है हेलोजन ग्रुप व्हाट इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन ग्रुप एनएस टू एन पी फाइव नो दैट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर सेवनटीन इज एन एस टू एनपी फाइव सो ग्रुप नंबर सेवनटीन इजीली गेन वन इलेक्ट्रॉन टू मेक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैस ग्रुप नंबर सेवनटीन के एलिमेंट में एनएसू एन पी फाइव होते हैं वो वन इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैस एनएस टू सिक्स की तरह बना देते हैं वन इलेक्ट्रॉन वो इजीली गेन कर रहे हैं इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर सेवन के की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी अमोंग दी ऑल ग्रुप्स जितने भी ग्रुप से वो सभी ग्रुप में से ग्रुप नंबर सेवनटीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी तो यहां पे एक पॉइंट आप नोट करो कि जो भी एटम या जो भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उनके लिए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो हम लिख सकते वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर व्हेन एटम इज़ीली गेन इलेक्ट्रॉन तो देखो यहां पे यही बात है यही पॉइंट पहले तो ये देख लो फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज वेन एन एटम इज सॉरी एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द इलेक्ट्रॉन गेन इन थे इज नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एड होगा एनर्जी रिलीज होगी तो वो रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा ग्रुप नंबर सेवेंटीन का पूरा एग्जाम्पल दिया ग्रुप नंबर सेवेंटीन हेलोजन हैव वेरी हाई नेगेटिव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बाय पिकिंग अप वन इलेक्ट्रॉन बराबर वन इलेक्ट्रॉन पिक करके आप देख सकते हो हेलोजन में एन पी फाइव है अगर उसको इनर्ट गैस बनना है तो एन एस टू एन पी सिक्स बनना होगा यानी पी ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा ऐड कर लेगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देगा और ये बहुत इजीली होता है इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथल की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है हाई नेगेटिव होती है ऑन अदर हैंड देखो दूसरी बात हम करें तो ग्रुप नंबर एटीन चलो ग्रुप नंबर एटीन क्या है इनर्ट गैस इनर्ट गैस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अभी जो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ग्रुप नंबर एटीन में वो इलेक्ट्रॉन ये वाले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एंटरिंग होगा सो so यहां पे हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अनस्टेबल बना रहे हैं इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है इजिली गेन नहीं कर रहा है हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डाल रहे हैं और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसीलिए हमें उसको एनर्जी भी देनी होगी और हम जब एनर्जी देते हैं तो वैल्यू कैसे होती है पॉजिटिव होती है तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 गैस ग्रुप उनका इलेक्ट्रॉन गेन ऑलवेज पॉजिटिव होती है टेक्स्ट बुक में आपको वैल्यूज के साथ एक टेबल दिया हुआ है जिनमें ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी है तो वहां पे भी आप देख सकते हो क्लियर ग्रुप नंबर 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो ये जो पिंक कलर का पॉइंट है वो पूरा ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस के ऊपर दिया है देखो ऑन दी अदर हैंड नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपीज बिकॉज तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मैंने आपको बताया ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम एंटर करेंगे वो यहां पे मान लो टू और टू दिया है चलो मैं एग्जांपल के साथ दिखा दू कि कोई भी एक इनर्ट गैस पहले तो इतना लिख लो चलो इसको अभी एरेस्ट कर रहा हूं देखो फॉर एग्जाम्पल अपने पास है नियोन चलो नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स टेन इलेक्ट्रॉन क्लियर अभी मान लो आप नियोन में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हो, तो देखो टेन तो थे इलेवन इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो टू पी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड तो इनमें तो एंटर नहीं होगा यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू कितना दिया है टू चलो वन एस टू एस टू पी फिर थ्री एस तो यहां पे एन इक्वल्स टू क्या है थ्री तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ये वाला वो एन इक्वल्स टू थ्री में एंटर होगा इसीलिए हमें एंटर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बन जाएगी तो देखो फिर से एक बार यहां पे बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल ये नेक्स्ट हुआ ये यहां पे एन इक्वल्स टू टू ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए ग्रुप नंबर 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी पॉजिटिव मिलती है देखो आयोनाइजेशन एंथेलपी में हमें इरेग्यूलरिटीज नहीं मिल रही है यानी रेग्यूल ऑर्डर मिल रहा है कि डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज हो रही बट यहाँ पे थोड़ी हमें इरेग्युलरिटीज मिलती है तो लेस इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी कंपेयर टू आयोनाइजेशन एंथाल्पी अभी हम बात करेंगे पीरियड और ग्रुप पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी कैसे चेंज होती है क्या है बात तो देखो आपके पास टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है वैल्यूज को ध्यान से देखो तो वैन फ्ट टू राइट इन पीरियोड इलेक्ट्रॉन गेन एन थैलपी बीकम मोर नेगेटिव आप देख सकते हो मोर नेगेटिव बन रहा है यहां पर भी आप देख सकते हो देखो ये ये है सेकेंड पीरियोड के दो एलिमेंट ये लेफ्ट और यहां पर क्या है राइट right. तो लेस नेगेटिव टू वर्ड इज द मोर नेगेटिव माइनस वन फोर वन माइनस थ्री टू एट यही पॉइंट है तो क्यों ऐसा हुआ वो समझो तो आप बहुत सिंपल है कि वी वी व्हेन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नियर टू दी न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के नियरेस्ट आ जाएगी इसीलिए वो वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ईजिली एंटर होगा अभी सोचो क्यों इजिली एंटर होगा क्योंकि न्यूक्लियस से नजदीक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज सो इजीली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा ओके देखो पूरा पॉइंट यहां पे दिया है समझो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एनथल पे बिकम मोर नेगेटिव बिकॉज इन द पीरियड वी गो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एज इट इज रहेगा इसीलिए वहां पे ऑर्बिट का स्ट्रिंक हो जाएगा स्ट्रिंक होगा तो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होगा और मैंने बताया था जितना इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होगा उतनी मोर नेगेटिव वैल्यूज होगी इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड इन अ स्मॉल एटम स्मॉल एटम में इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होता है इसीलिए देखो आपको ग्रुप नंबर सेवनटीन की इलेक्ट्रॉन गेन एनथलपी सभी ग्रुप के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव मिल रही है चलो ग्रुप की बात करें तो देखो ग्रुप में आपको यहां से ही पता चल जाएगा कि इन अ ग्रुप वेन वी मूव अप टू बोट एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज या रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज सो जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो न्यूक्लियस यानी सेंटर से दूर वाली ऑर्बिट में इंक्रीज एडिंग होगा अगर दूर वाली ऑर्बिट में ऐड हुआ तो इजीली ऐड नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन ही कम होगा इजीली ऐड नहीं हुआ तो वैल्यू लेस नेगेटिव बन जाएगी तो देखो When we go top to bottom, value of electron gain enthalpy become less negative because atomic size increase in down the group. Added electron become away from the nucleus, yeah, from the center. जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो न्यूक्लियस से दूर वाली ऑर्बिट में ऐड होगा इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा और इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन भी बिकम लेस नेगेटिव ओके अभी हमें एक यहां पे रीजन देखना है जो टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है एक इलेस्ट्रेशन दिया है इनके नीचे ही तो चलिए देखते हैं उनको देखो क्वेश्चन ऐसा है वाई चलो क्वेश्चन यहां लिख ही देते फिर हम बात करें वाई इलेक्ट्रॉन गे एंथाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी ऑफ सल्फर एंड क्लोरिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी ऑफ सल्फर एंड क्लोरिन आर मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ओके ये अपना एक क्वेश्चन है देखो हमने यहां पर ग्रुप के लिए क्या बोला इन अ ग्रुप व्हेन वे गो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन बिकम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन लेस नेगेटिव होनी चाहिए तो देखो ये माइनस वन फोर वन है तो यहां पे तो मोर नेगेटिव हुई लेस नेगेटिव बोला हमने तो तो ये क्यों ऐसा एक्सेप्शन है यही बात हमें यहां पे समझानी है बाकी देखो लेस नेगेटिव ही बन रहा है माइनस टू हंड्रेड से माइनस वन नाइन फाइव माइनस वन नाइन जीरो माइनस वन सेवन फोर यानी लेस नेगेटिव इनमें भी वही चीज है फ्लोरिन से क्लोरिन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है फिर तो क्या हो रहा है लेस नेगेटिव ही हो रहा है तो यहाँ पे यू ये दोनों में हमें ये चीज क्यों दिखाई देती है दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर एट वन एस टू 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 पी फोर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सिक्सटीन वन एस टू 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 पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर कैलकुलेट कर लो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन टेन ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन क्लोरिन एटॉमिक नंबर सेवेंटीन। वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव चलो अभी हम यहाँ पे रीजन समझे तो वाई तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे बिकॉज इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू टू एन इक्वल्स टू टू और आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फ्लोरिन में भी इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड होगा एन इक्वल्स टू टू ऐसा होता है एन इक्वल्स टू वन एन इक्वल्स टू टू चलो ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन के लिए यहां पे बात की जब सल्फर एंड क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो एन इक्वल्स टू थ्री ऑर्बिट एन इक्वल्स टू थ्री ऑर्बिट तो ऐसा होगा वन टू थ्री तो पहली चीज मुझे ये बताओ कि एन इक्वल्स टू थ्री और एन इक्वल्स टू टू ये दोनों में से एरिया या रेजिन रेजिन यानी विस्तार या एरिया किसमें ज्यादा है ऑब्वियसली एन इक्वल्स टू थ्री में एन इक्वल्स टू टू में जो रेजिन है जो एरिया है वो कम है इसीलिए ऑलरेडी यहां पे फोर इलेक्ट्रॉन है और यहां पे फाइव इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच मोर रिपल्शन होगा एन इक्वल्स टू टू वाली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तब वहां पे मोर रिपल्शन होगा जबकि सल्फर और क्लोरीन में एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू थ्री सो हियर लार्ज एरिया अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स या लार्ज रेज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स सो मच लेस रिपल्शन टेक प्लेस एन इक्वल्स टू थ्री यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फोर ही है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फाइव है ऊपर जितने ही है बट यहां पे जो रेजिन है जो एरिया है वो बढ़ गया इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्शन कम होगा रिपल्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होगा सल्फर और क्लोरीन में और जितना इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होगा उतनी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तो ये यह यहाँ पे रीजन हुआ चलो इनके नीचे एक आपको इलेस्ट्रेशन दिया है इलेस्ट्रेशन में देखो कौन से कौन से एलिमेंट्स है फॉस्फरस सल्फर फिर क्लोरीन और फ्लोरीन। ये फोर एलिमेंट में से मोर इलेक्ट्रॉन मोर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो देखो तीन एलिमेंट तो बोर्ड पे लिखे ही है uh, ये वाला सल्फर फ्लोरीन, क्लोरीन। फॉस्फोरस की बात करनी है फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये वाला तो देखो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तीनों तीन थर्ड पीरियड के एलिमेंट है देख सकते हो ऐसे थर्ड पीरियड के और फ्लोरीन ऊपर वाला सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो हमें मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन एंड लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन तो देखो बात पहली तो यही क्लियर हो जाती है यहां पे क्लोरीन क्लोरीन के वैल्यू मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी यहां पर लिख सकते हैं क्लोरीन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी और फॉस्फरस के लिए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी होगी क्यों समझो लेस नेगेटिव क्यों वी नो वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी बिकम मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी मोर नेगेटिव बन रही है तो जो पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी फिर धीरे 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 मोर नेगेटिव बनती जाएगी तो बस यही आंसर हुआ फॉस्फरस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी लेस नेगेटिव क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी मोर नेगेटिव क्लियर ओके लिख लो इतना